Today we are going to start a new topic, that is the calculations of number of total electron and valence electron in ion. ठीक है, और this is the very starting things कि हो सकता है you know some ion, you recognize the name of some ion, but धीरे-धीरे उस चीज को clear हो जाएगा. सबसे पहले यदि मान लीजिए name of ions की बात करें, ठीक है, कुछ names हैं जो हम पहले discuss कर लेते हैं, फिर then one by one. मान लीजिए कोई भी आया, दिस इज नॉन एज फ्लोराइड आयन, है ना, फ्लोराइड यानी सफिक्स वुड बी दिस सीएल माइनस, इट इज क्लोराइड. तो सिमिलरली ब्रोमाइड, इट इज ओ टू माइनस, आप बोल सकते हैं ऑक्साइड. इफ इट इज ओ एच माइनस, वी कैन से हाइड्रोक्साइड. If it is H2 minus, we can say sulfide. If it is P3 minus, we can say phosphide. ठीक है, फिर phosphide आया. N3 minus, it is known as nitride. And N3 minus, it is known as azide. Make sure here number of nitrogen atom is 3 and the net charge is minus 1. Here the number of nitrogen atom is 1 and net charge is minus 3. तो थोड़ा सा careful रहिएगा. This is cyanide. ठीक है, it is nitrite. NO2 minus nitride. SO4 minus सल्फेट. धीरे धीरे याद होगा SO3 2 माइनस सल्फाइड, PO4 3 माइनस फॉस्फेट. ठीक है, अब यहां पर जो बहुत सारे जो मोस्टली यूज होते हैं वो मैंने आए लिख दिए हैं. जैसे मान लीजिए कार्बोनेट आएगा, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आएगा, HCO3 माइनस क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट. ठीक है, यानी इसको क्या लिखोगे, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. इज इट क्लियर? तो ये कुछ मतलब मोस्टली सारे कवर कर लिए हैं हमने आयन. SO4 सल्फेट, तो सल्फाइड, PO4, ये धीरे धीरे जब आप इसके यूज टू हो जाओगे तो इन आयंस के बारे में आप इजिली याद करोगे. ठीक है ना, बिकॉज सपोज इफ यू आर गोइंग टू मेक अ फॉर्मूला ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, तो दिस आयन रिक्वायर, यानी इन आयन को रिक्वायरमेंट होगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम इनमें आयंस की बात करते हैं. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर फॉलोइंग केस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो हम बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने ऑर्बिटल नहीं पढ़ा है, दिस वी विल रीड इन चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर. बट अभी जो इनिशियल क्लासेस में आपने डेफिनेशन पढ़ी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो ये बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन last orbit of any atoms या ion. इसीलिए एटम और आयन के लास्ट ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, सम ऑफ, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी. ये डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई. चलिए अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, प्लीज धीरे धीरे जब आप आयंस के बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइजेशन करते रहेंगे. ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट
number of valence electron and total electron present in present in 4.2 gram of N3 minus. देखिए N3 माइनस लिखा है बट आपको मोस्टली लैंग्वेज में यानी इस फॉर्म में लिखेगा नाइट्राइड, बट मैंने अभी स्टार्टिंग में है तो N3 माइनस मैंने लिखा है नाइट्राइड। आप मेंटली प्रिपेयर, ये नहीं देगा आपको, ये देगा, बट अभी आपने स्टार्ट किया है इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला भी साथ के साथ लिख लिया। ठीक है, याद करिए लास्ट लेक्चर तक क्या बोला है, Whenever you are going to find out number, जब भी नंबर निकालना है तो पहला स्टेप होता है find out number of moles. ठीक है, once again we know the formula, mass given divided by molar mass, but यहाँ पर होगा क्या formula mass, क्योंकि ions है तो ions के लिए क्या हो जाएगा formula mass, ions के लिए क्या word use हो जाएगा formula mass, it is formula mass. Is it clear to all of you? ठीक है, 4.2/14. We know the atomic mass of a nitrogen is 14. Even in last lecture I told you, if there is a loss of electron or if there is a gain of electron, there is no change in the mass because the mass of atom is mainly based on the neutron and proton. And the mass of electron as compared to proton and neutron is negligible. इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना भी हो जाए एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता, बट टेक्निकली वी कांट से इट इज एटम, दैट्स व्हाई वी यूज हियर द वर्ड फॉर्मूला मास, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, टेक्निकली हम इस चीज को कुछ नहीं कर सकते। 4.214 हमें मिला 0.3 मोल, ठीक है, ध्यान रखना इसको अपन 0.34 ग्राम आयन्स भी बोलेंगे क्योंकि आयन्स है ना, यदि एटम होता तो ग्राम एटम बोल देते, मॉलिक्यूल्स होता तो ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते, इसको हम क्या बोल सकते हैं ग्राम आयन्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आप देखिए नंबर ऑफ आयन्स निकालेंगे, जैसे आप नंबर ऑफ एटम निकाल देते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देते, अब तो नंबर ऑफ आयन्स निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखिए हाउ मेनी 0.3 मोल है, तो मोल का मतलब एवोगैड्रो टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा लंबा दिखता है, ये लंबा दिखता है तो आप इसकी जगह क्या कर दीजिए Na, एक शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, तो यू कैन राइट 0.3 Na। ठीक है, दो स्टेप बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इफ इट इज मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल लिख दीजिए, एटम तो एटम ले लीजिए और आयंस है तो आयंस ले लीजिए, बिल्कुल ये दो स्टेप सब में कॉमन है। आप ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनफैक्ट आप एटम्स निकाल रहे हैं, ये दो स्टेप हो रहा है। देखिए यहां तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, आपने मोल निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्म थी तो नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई किया, एटॉमिक फॉर्म थी तो वो एटम्स ही कहने वाला है। ठीक है, सपोज यदि यहाँ नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन एटम होता, लेट इट बी ये होता, तो वी कैन से 0.3 मोल 0.3 ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम कितना था 0.3 × Avogadro, खत्म हो जाता। ठीक है, सपोज कोई मॉलिक्यूल्स होता तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल्स हो जाता, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था 0.3 × Avogadro हो जाता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये स्टेप्स यहाँ तक क्लियर हो गए, यानी 0.3 × Na आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए 0.3 × Na आ गया है, तो अब हमारे पास निकलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन क्या दर्श। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी है उसी का यूज करेंगे। क्लियर? अब आप देखिए व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ही आता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 7, तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 and 5, वी नो दैट ये जो कहलाएगा दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट राइट नाउ इट इज इनकम्प्लीट, व्हाट इज दिस,
it is incomplete because we know that it is 2 8 8 ion. Is it clear? यहाँ तक clear हुआ? It is incomplete है, 5 electron है, तो अभी ये क्या है? It is incomplete. ठीक है, ये valence electron है और ये presently क्या है? It is incomplete. ये completely filled है. यहाँ पर valence, यहाँ पर 2 की जगह है और 2 filled है. यहाँ पर 8 की जगह पर 5 filled है. 3 की valence है. Now it is N3 minus, if the negative charge is increases, that means addition of electron. If the positive charge is increases, that means loss of electron. ठीक है? तो N3 minus हुआ, तो that means total 2 5 था. तो अब आप देखिए, this is incomplete. इसके अंदर electron add हो गए हैं. कितने electron add हुए हैं? 3. इसमें नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 chair है और दोनों chair के ऊपर बैठा हुआ है कोई person. तो जो भी नेक्स्ट पर्सन आएगा कहां? हियर देयर इज 8 चेयर, 5 ऑलरेडी फिल करते हैं, स्टिल 3 रिमेन एंड दिस 3 वी वुड बी ऑक्युपाइड बाय अनदर 3. इसका मतलब अब जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या लॉस होता है, इट इज फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट एंड लास्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस ऑर्बिट. लास्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस ऑर्बिट, यानी 5 में ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो 5 और 8. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब आप देखो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का पूछे तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन? 5. नाइट्राइड का पूछे तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलोगे 8. कुछ नया नहीं है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले थे वैसे ही आयंस के अंदर निकाले, फर्क इतना है और कुछ अलग नहीं है. ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हम बात करें, ठीक है, यहां तक आपके पास कितना आ गया है? आप बोलोगे कि 1 नाइट्राइड आयन, ठीक है, 1 नाइट्राइड आयन कंटेन टोटल इलेक्ट्रॉन 10. टोटल कितना है? 2 प्लस 8 10 हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8. एक आयन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. ठीक है, बट आयंस बन तो नहीं है, आयंस कितने हैं? इतने हैं. आप बोलोगे 1 आयन में ये है तो 0.3 Na नाइट्राइड आयंस में क्या होगा? फिर क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, ये आ जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने आ जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन, सॉरी सर, 10 इंटू एवोगैड्रो नहीं आएगा. यहां देखिए, समझ लीजिए, ये 0.3 एन याद रखिएगा, 0.3 एन लिख दिया है हमने, 0.3 एन. देखिए आप बोलोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितना था? 10 इंटू 0.3 एन ए, विच कम टू बी 3 एन ए आएगा. ठीक है, और मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. दिस तो आपके पास कितना जाएगा? 2.4 एन ए आ जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर हो गया? 1 नाइट्राइड के अंदर टोटल 10 और 1 नाइट्राइड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, पर नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कितने हैं? 0.3. तो 10 मल्टीप्लाई बाय दिस, 8 मल्टीप्लाई बाय दिस, 10 मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो यहां पर हमने बात करी है, वापस से सुन लीजिए. व्हाट यू कैन डू, या तो पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए. व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? It is the electron present in last orbit. Okay, this is the electronic configuration of nitride atom. तो nitride में क्या हो जाएगा? 3- charge. देखिए, कभी भी आप बोलोगे कि सर how we can recognize? देखिए, इसलिए nitride है. Valence electron are 5. Capacity to accept 3 electron. That's why -3 charge. Oxygen, sulfur, valence electron are 6. Capacity to accept the electron is 2. क्योंकि 6 में 2 ऐड होगा तो 8 बन जाएगा, यानी टारगेट क्लियर है.
आपका लास्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आफ्टर लॉस और आफ्टर गेन, तभी वो आयन क्या है स्टेबल आएगा। यदि हम मोनो की बात करें, मोनो यानी सिंगल एटम, यानी एन ओ एस पी एफ सी एल बी आर आई है ना, इसकी ध्यान रखें ठीक है। बाकी जो है वो हमें जो एसिड है उसके ऊपर आते हैं, वो हम आगे जैसे जैसे बात करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक आध कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहां पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फाइड, ठीक है सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा आइड, आइड जब भी आता है तो सल्फाइड आयन इज दिस, सल्फाइड आयन इज दिस, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है सबसे पहला एज यूजुअल स्टेप क्या होता है, आपका सल्फर का क्या होगा मोल, मोल क्या हो जाएगा मास गिवन डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ठीक है। ये कितना है 6.4, ठीक है। सल्फाइड आयन का कितना है फॉर्मूला मास कितना जाएगा 32, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, बट इफ देयर इज अ -2 चार्ज तो उसके मास पे कोई फर्क नहीं आएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो जो ओरिजिनली एटॉमिक मास है उसमें फर्क नहीं आने वाला है, ये गलत ध्यान से दीजिएगा। यहां पर आपके पास आ गया है 0.2 मोल, ठीक है। ये पहला स्टेप क्लियर। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन निकालेंगे, इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल 0.2 इनटू एवोगाड्रो नंबर, इतने क्या हो गए हैं आयंस हो गए है ना। मैंने Na फॉर्म में लिखा है, इफ यू वांट टू डू यू कैन कीप 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 इंस्टेड ऑफ दिस एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद क्या जाता है, आपको निकालना है सल्फर, सल्फर का यदि आप देखिए इसको मैंने साइड में अलग से ले रहा हूं, यदि मैं अलग से ले रहा हूं तो मैं बात करूंगा सल्फर की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर 286, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, मास इज 32, एटॉमिक मास इज 32, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इफ इट इज न्यूट्रल एटम, ठीक है। ये हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दिस इज नोन एज वैलेंस, देखिए दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। ये सल्फाइड आयन आया तो 2, 8 यहां पर एड होगा तो 6 + 2 कितना जाएगा 8, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए इसमें एक स्टेटमेंट लिखोगे, नेक्स्ट वन सल्फाइड आयन्स कंटेन, टोटल कितना है 2 + 8 10, 10 + 8 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 18, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 8 + 8 16 16 + 2 18, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट कितने हैं 8, तो यहां पर कितना जाएगा 8, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए हाउ मेनी सल्फाइड आयन 0.2 Na, तो आप बोलोगे 0.2 Na सल्फाइड आयन, तो आप बोलोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 इंटू, इधर 18 तो वन में थे, 18 इंटू 0.2 Na
इट कम टू बी 3.6 एनए, कितना रहा है 3.6 एनए आ जाएगा। तो यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो 8 × 0.2 एनए आएगा, विच कम टू बी 1.6 एनए। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या आएगा 1.6 एनए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर हो गया? वापस से देख लो, 1 सल्फाइड आयन 18, तो 0.2 एनए, 18 × 0.2, तो 18 × 0.2 कितना हुआ 3.6 एनए। 1 सल्फाइड कंटेन ए, तो 0.2 एनए कंटेन, ध्यान दीजिए इतने है ना 0.2 एनए, 0.2 एनए आयंस है। इज इट क्लियर? तो 1 में 18, तो 0.2 एनए में 18 इनटू दिस, तो ये आया 3.6। 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसमें कितना हुआ 0.2 × 8 = 1.6 एनए। एक बार देख लेना, नहीं है तो पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक या तो जनरली मेंस में या एडवांस में किसी में आया हुआ है ये। दिस को बोलते हैं अजाइड, मेक श्योर दिस इज N3-, ठीक है? N3- है, नॉट एन, यहाँ पर ये है, इसे अजाइड बोलते हैं। हमने अभी इससे पहले क्या किया था, N3- किया था, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये N3- जो है वो है नाइट्राइड, और ये क्या है आपका N3-, दिस N3- इज नोन एज अजाइड, ठीक है? आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, पहला एज़ुज़ल मास, ये इसका फॉर्मूला मास बोलते हैं, ठीक है? फॉर्मूला मास नाइट्रोजन, ठीक है? हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 × 3, इट इज 42, ठीक है? ये फॉर्मूला मास है, इज इट क्लियर? हाउ मेनी नाइट्रोजन, 14 का एटॉमिक मास ऑफ ए नाइट्रोजन इज 14, 14 × 3 42। बट मैंने आपको क्या कहा है, मास इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखना इस आज के लेक्चर में, ये बार बार दिमाग में रखिएगा। क्या निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, फॉर्मूला मास क्या है, ये गड़बड़ी होगी बार बार होगी, तो इसलिए इस चीज को ढंग से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? 14 × 3 42 आ रहा है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है मोल्स निकालना, मोल कितना है, मास गिवन कितना है 42, एंड फॉर्मूला मास कितना है, सॉरी उल्टा कर दिया है मैंने, 4.2, एंड द फॉर्मूला मास इज 42, इट कम टू बी 0.1 मोल, 0.1 मोल है, तो नंबर ऑफ N3- आयन यानी अजाइड आयन 0.1 × Avogadro आयंस, ठीक है? अब आप देखिए जो चीज मैं समझा रहा हूं इसको बहुत ढंग से समझिएगा, और नहीं है तो बार बार रिमाइंड करके इस चीज को देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंगल नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.5 होता है, बिकॉज जेड इज 7, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2.5, यानी 5 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 5 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए आपसे पूछा जाए N3, ध्यान से समझना, अभी मैं जो चीज बात कर रहा हूं वन बाय वन, ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है? मैं बोलता हूं नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, चेक कर लो, इतना समझ लीजिए, नाइट्रोजन के अंदर 2+5, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, इज इट क्लियर? अब देखते रहिए क्या बोला है, वन बाय वन आगे चलते रहिए, हम क्या कर रहे हैं 4.2 ग्राम को कर दिया, ठीक है? अब देखिए हमारा फॉर्मूला
एन थ्री है, ठीक है, एन थ्री है या एन है, अब क्या कर रहे हैं एन थ्री, तो एन थ्री में क्या होगा टोटल इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे वन में सेवन है तो ये सेवन इंटू थ्री आ जाएगा, इज इट क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप बोलोगे सर एक में फाइव था तो थ्री में क्या है फाइव इंटू थ्री आया, तो आप क्या बोल रहे हो कि दिस इज इक्वल टू 21 एंड दिस इज इक्वल टू 15, यहां तक भी क्लियर हुआ, ठीक है। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट एक ही में मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग, है ना। अब हमारे पास क्या हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया, देख लीजिए यहां तक समझ में आ गया, आप समझ। अब हमारे पास चार्ज आया है माइनस, ये टोटल चार्ज आया है, गलती से भी मत समझ लेना, इसको थ्राइज नहीं किया, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज नॉट, ये नहीं है, गलती मत करना, जो मैं भी समझा रहा हूं, एन थ्री है और उसके ऊपर नेट चार्ज माइनस वन है, ठीक है, ये नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो कि सेवन के अंदर एट इलेक्ट्रॉन एड कर दो, एट इंटू थ्री 24 कर दो, वो नहीं है, ये हटा दो थोड़ी देर के लिए। चलिए अब हमारे पास क्या था, वापस से बात रिपीट कर दूं, एन थ्री तक ये सिचुएशन थी। अब आप देखो जैसे ही आपने रखा माइनस वन तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां भी ऐड होगा। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन इधर क्यों ऐड हुआ, इनकम्प्लीट कौन है, इनकम्प्लीट कौन है वैलेंस, यानी अभी मैंने रिपीट किया था जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो लास्ट ऑर्बिट से होगा, तो आपने जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है तो जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो कहां पर जाएगा, लास्ट ऑर्बिट, कहां जाएगा लास्ट ऑर्बिट, समझिए। एंड मान लीजिए 25 अलग अलग समझा रहा, 25 25 है ना। अब मान लीजिए आपका माइनस चार्ज आया है तो इन तीनों में से किसी एक में चला जाएगा, तो किसी में भी आ गया, मान लीजिए इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये था N3 था, अब बन गया है N3 माइनस, आप बोलोगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 6 + 8 + 7 + 7 कितना जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब आप देखो इसे बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट, 5 + 5 = 10 10 + 5 = 15 तो 15 + 1 = 16 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ढंग से समझ लो क्या हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां गड़बड़ी होती है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो फिर भी निकल जाएगा, बच्चों को पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दिक्कत आती है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इधर क्लियर, आप समझिए मैंने यहां पर बात करी हमारे पास 0.1 Na है, ध्यान दीजिए हमारे पास 0.1 Na एटम्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट क्या बोलोगे कि वन अजाइड आयंस टोटल इलेक्ट्रॉन 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16। अब देखिए यहां पर है 0.1 Na एन थ्री माइनस आयन, अब उसमें कितने निकलेंगे, कुछ नहीं करना है वन में निकालने का, तो आप बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉन, वन में कितने थे 22, अब आप देखो उसमें क्या होगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देने का है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इट कम टू बी 2.2 Na इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्लियर। अब आप देखो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मांगे, ठीक है, वन में कितने हैं 16, तो इसमें कितना हो जाएगा 16 × 0.1 × Na इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे
1.6 Na इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देख लीजिए, खासकर यहां ध्यान दीजिए, अदरवाइज इसमें क्या है, 7 × 3 = 21 + 1 = 22। ठीक है, ये क्या है, अजाइड आयन हुआ। क्लियर? यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है, हमने अजाइड आयन के बारे में बात करी है। क्लियर? ये अजाइड आयन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और इस प्रोफाइल का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम। देखिए, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ परऑक्साइड। बच्चों, परऑक्साइड आप बहुत यूज करोगे, अभी सिर्फ लिख दीजिए परऑक्साइड आयन, है ना। परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 2 माइनस। ठीक है, O2 2 माइनस। आप ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चा जो भी है ये मत करेगा कि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, जब तक ये 12th एंड तक जाओगे तब तक तो हजारों बार परऑक्साइड पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं वर्ड बार बार रिपीट होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, है ना। इसी तरह से अभी हम इस पे सुपर ऑक्साइड बात करेंगे या अजाइड, की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, एज यूजुअल आया। ठीक है, आपके पास एज यूजुअल आ गया, तो यहां पर आप बोलोगे कि मोल्स निकालते हैं। मोल्स में क्या है, मास गिवन कितना है, 60। पहले इसका फॉर्मूला मास आप चेक कर लेते हैं। चलिए, यदि मैं फॉर्मूला मास और परऑक्साइड की बात करूं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 × 2 = 32 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर? मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, -1 चार्ज हो, -2 -3, +1 +2 +3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस पे कोई चार्ज पे फर्क नहीं आएगा, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेंज ऑफ 10⁻³⁻ kg, वेयर द मास ऑफ प्रोटॉन इन द रेंज ऑफ 10⁻²⁷ kg। तो आप समझ सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है। इज इट क्लियर? बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर फॉर्मूला मास 32 आ गया है, तो आप मोल निकालना आसान है। मोल कितना आ गया, मास गिवन कितना है 64, फॉर्मूला मास 32, आपके पास कितना आ गया है 2 मोल। कितना आ गया है 2 मोल। यदि मैं नंबर ऑफ परऑक्साइड आयन निकालू तो कितना हो गया 2 × Avogadro आयन। बच्चों, हो सकता है आंसर में 6.022 × 10³ आ रहा है, तो आप वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनए को आप बाद में डिसॉल्व करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है? तो आप यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ओ की। ओ का आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 आता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओ। ठीक है, इन ओ दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूंगा 1 ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन वो है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है 6। याद करिए, इससे पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में थे 7 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5। कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा ही है। यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, जगह है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आया O2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ई फॉर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 × 2, कितना आया 16। भाई इसको डबल कर दिया ना मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया
6 into 2 12 आया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 6, जब डबल कर दिया इसको 8 into 2 16 and 6 into 2 12। अब हम निकाल रहे हैं O2, यदि माइनस होता O2 माइनस, तो मैंने अभी बताया है जस्ट थोड़ी देर पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होता है वैलेंस ऑर्बिट, तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहां होगा, यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 16, यदि यहां पर क्या जाएगा 1, इसमें के बाद सुपर ऑक्साइड आयन आएगा ये प्लस 1, यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता तो यहां पर 12 प्लस 1 होता। देखिए इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, पर हमारा क्वेश्चन क्या है परऑक्साइड, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 में क्या हुआ ये 2 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 2, कोई फर्क नहीं है। यदि मान लीजिए कि यहाँ माइनस 3 होता तो यहाँ 3 लिख सकते थे, क्लियर। आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आया है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, दस वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप बोलोगे 6 प्लस 6 12 था, तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं वो वैलेंस ऑर्बिट में है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 और ये कितना आ गया है 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहां पर पूरा इसको एक बार लिख लेते हैं, यहां पर हमारे पास आया है कि 1 O2 2 माइनस आयंस हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, और यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं वो है 14 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक समझ में आ गया, ये 18 और 14, हमारे पास नंबर ऑफ आयन कितना है 2 N3, यानी एवोगैड्रो नंबर। ध्यान दीजिए, रखिएगा 2 N है ना, ये सिंगल के अंदर आपके पास आ गया, सिंगल के अंदर ही आ गया, तो आपके पास 2 एवोगैड्रो O2 2 माइनस आयंस कंटेन टोटल इलेक्ट्रॉन 18 × 2 × एवोगैड्रो, ठीक है, 18 × 2 36 Na इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप हो सकता है ये दिया हो या 36 × 6.022 × 10⁻², ठीक है ना, तो वो आप डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 14 × 2 × Na, इट कम टू बी 28 Na इलेक्ट्रॉन। Is it clear to all of you? ये आपके सामने बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि how to find out the electron, ठीक है, हमारे पास ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, तो ये वाले क्लियर हो गया। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया है सल्फेट आयन इज SO4 2-, ठीक है, बना सकते हैं हम, बहुत सारे आयन है इसमें है, बिकॉज वी नो द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम, इसलिए अभी मैंने
बताया है कि मान लीजिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो नो डाउट सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फॉर्मुला मास। ये फॉर्मुला मास चेक भी तो करना पड़ेगा। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 64 है, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से मास पे कोई फर्क नहीं आता है, तो इट कम टू बी 96 ग्राम पर मोल। ठीक है, 96 ग्राम पर मोल, क्योंकि 32 प्लस 64 ये कितना रहा है 64, 64 प्लस 32 इट कम टू बी 96 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट मोल, मोल कितना आया, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये कितना आ गया है 0.5 मोल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सल्फेट आयन, नंबर ऑफ सल्फेट आयन, तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन क्या है, इसे मोल को डिसॉल्व करना है, तो आप बोलोगे 0.5 इनटू एवोगाड्रो आयन। ठीक है, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बना सकते हो CN माइनस सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट कुछ भी दे दे, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं इंडिविजुअल सल्फर, अभी थोड़ी देर पहले सल्फर लिया था तो क्या था 286, ऑक्सीजन का क्या लिया था 26, क्लियर। इसे क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर आ गया है। अब आपके पास कोई टेंशन नहीं है, अब आप देखिए कैसे इन सिंगल में निकालते हैं। आपका फॉर्मूला SO4 है, ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे, देखिए सल्फर में कितने हैं 16, 2 + 8 10, 10 + 6 16, आपके पास यहां कितना हुआ 16, ओके। अब आप देखिए यहां पर 2 और 6 कितने हैं ऑक्सीजन में 8, ध्यान दीजिए दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप देखिए हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 4, इज इट क्लियर, हो गया। तो आपके पास यहां पर आ गया 8 into 4 32 plus 16 कितना आ गया 48, यानी यहां तक आपके पास आ गए हैं 48 इलेक्ट्रॉन SO4 था। यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन सल्फर 6 एंड ऑक्सीजन आल्सो 6, तो 6 सल्फर का ऑक्सीजन का 6, इज इट क्लियर, 6 फॉर सल्फर एंड 6 फॉर ऑक्सीजन, तो कितना हुआ 6 into 4 24 24 plus 6 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए SO4 का, ठीक है, SO4 तक आ गया। देख लीजिए सल्फर में 16 ऑक्सीजन में 8 टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 16 प्लस 8 इंटू 4 48 इंडिविजुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 प्लस 4 इंटू 6 30 यहां तक आ गए हैं आप, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर जब यहां पर ये चीज आ गई तो आया चार्ज माइनस 2, इतना चार्ज आया माइनस 2, अब माइनस 2 चार्ज आया तो दिस ये प्लस 2 यहां आ जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इट कम टू बी 50 इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने बताया था यदि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो कहां होगा वैलेंस ऑर्बिट में, तो दैट्स व्हाई दिस बिकम 32 इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर। आराम से देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, देख लीजिए वापस से मैंने यहां निकाला, ये जो चार्ज आएगा वो भी इनकम्प्लीट में जा सकता है, ठीक है, कोई ये नहीं पूछेगा कि सल्फर में जाएगा या ऑक्सीजन में है, ये चीज नहीं पूछता है और ये नोन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यहां पर क्लियर हो गया है। अब आप देखो वन सल्फेट आयन कंटेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आप बोलोगे 32 इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए ओके, नंबर ऑफ सल्फेट आयन कितना है 0.5 Na, तो आप बोलोगे 0.5 Na सल्फेट आयन्स जो है वो देगा टोटल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 50 × 0.5 Na, 50 × 0.5 Na इट कम टू बी 25 Na इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अब आप देखिए आराम से क्लियर हो गया है। देखिए 25 Na आ गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपके पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 32, वन में 50, तो इसमें दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वन में 32 तो इसमें 32 मल्टीप्लाई बाय दिस, इट कम टू बी 16 Na इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये जो है इनमें जो भी चार पांच क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए हैं इसमें यू कम टू नो कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ सल्फेट या जो भी हम निकाल रहे हैं। क्लियर? तो हमारे को अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट दिस थिंग्स। ठीक है, आप जो भी हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, फॉर टुडे दिस इज सफिशियंट। तो प्लीज जब भी ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिए, यदि आप देखेंगे हे हेलन लेकर बेलन बाजार चले। ठीक है, हे हेलन लेकर बलन बाजार चले, नई ऑरेंज फिएट निकाली। यानी मैं आपको समझा रहा हूं एटॉमिक नंबर वन से, एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, यानी ये क्या है एटॉमिक नंबर, ये फंडा है, ये फंडा है ना, फंडा या ट्रिक जो भी है कि 1 to 20 का याद करने का। हे हेलन लेकर बेलन बाजार, बेलन जानो से मम्मी चपाती बनाती है, बाजार चले नई ऑरेंज फिएट, फिएट इज द नेम ऑफ कार्स कंपनी। तो ध्यान दीजिएगा ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हे हेलन लेकर बेलन बाजार चले नई ऑरेंज फिएट निकाली। ठीक है, नाश्ता मांगे अलबेला सिकंदर, नाश्ता मांगे अलबेला सिकंदर, नाश्ता मांगे अलबेला सिकंदर पापड़ साथ में, है ना, पापड़ साथ में। यानी कई बार हो सकता है पाव भाजी खा रहा हो तो साथ में पापड़ भी उसको चाहिए है। तो नाश्ता मांगे अलबेला सिकंदर पापड़ साथ में। ठीक है, चलो नाश्ता हो गया है। ठीक है, अब तो तैयारी भी हो गई है, अब ये फेड भी निकल गई है, नाश्ता भी हो गया है, पापड़ भी साथ में आ गया, तो आप क्या बोलोगे, चलो आर्यन की कार में। ठीक है, आर्यन की कार में, यानी आपको जो है आपने देखा होगा अभी हम एटॉमिक नंबर सल्फर का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन का या कार्बन का,
तो यू शुड नो कि एटॉमिक नंबर क्या है, जनरली 20 तक, जनरली 20 तक, जनरली, नॉट आपके लिए नहीं है कि सर आपने बताया, जनरली एटॉमिक मास इसका डबल होता है जनरली, ठीक है, नो डाउट इसका 40 होता है तो इसका 39 होता है, बट आप याद रखो 39 का डबल कितना है, 38, एकदम रिकॉल हो जाएगा, अरे यार पोटेशियम का 39 होता है, तो ये क्या है, जब तक 12th एंड तक आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे, अदरवाइज एग्जाम में गिवन होता है, बट फिर भी हम हमारी सेफ्टी के लिए अप टू 20 तक याद करें। हे एलन लेकर बेलन बाजार चले, नई ऑरेंज फिएट निकाली, नाश्ता मांगे अलविदा सिकंदर पापड़ साथ में, चलो आर्यन की कार में। तो ये पूरा का पूरा ये फंडा है एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक याद रखने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।